हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले भारत से दुबई के लिए सीधी फ्लाइटों को लेकर, जिसमें काफ़ी लोग इस फ्लाइटों को लेकर इंतज़ार करें कि कब से फ्लाइटें चालू होगा। तो आपको बता दें कि यूएई अथॉरिटी की ओर से जो बड़ी अपडेट आई है, तो आपको फाइनली बताएंगे। इसके साथ ही जो अमीरात एयरलाइंस की ओर से भी जानकारी मिली है कि अब भारत से दुबई की सीधी फ्लाइटें वो 3 अगस्त से चालू हो पाएगी। और इसको लेकर जो दुबई से फ़्लाइटों को लेकर जो वेट करें, तो उनके लिए जो स्कैम को लेकर एक अपडेट चल रही है, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो आप भारत से दुबई जा रहे हो। तो इसके लिए सारी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो अब फाइनली जो इंडिया से यूएई के लिए सीधी फ़्लाइटों को लेकर अपडेट आ चुकी है, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं जो दुबई की एम्बेसी है जो इंडिया में इसके अंदर है, तो इसी को लेकर जो अपडेट आई है, इन्होंने क्या वार्निंग दी है। तो आपके लिए बड़ी खबर आई है, जिसमें आपको इंडिया से सीधी फ्लाइटों को लेकर जो वेट करें और आखिर में कब से फ्लाइट स्टार्ट होने वाली, इसी को लेकर जो यात्री इंतज़ार करें, तो उनके लिए सतर्कता से बताई जा रही है, साथ ही उनको वार्निंग भी दी जा रही है। तो आपको बता दें एम्बेसी की ओर से जो वार्निंग आई है, जिसमें भारत से दुबई जाने वालों के लिए, तो एम्बेसी की ओर से जो भारत से दुबई के लिए सीधी फ्लाइटें ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस कंपनियों की तरह फ्लाइटों को लेकर स्कैम करिए, जिसमें इंडिया की तरह और भी कई कंट्री के लोग हैं जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि जो इंडिया के जो लोग हैं, जिसे सीधे यूएई की फ़्लाइटों को लेकर वेट करें, तो वो इनसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, जिसमें जो स्कैम वाले हैं, तो वो सीधे फ़्लाइटों को लेकर इसी प्रकार की ऑफिशियली साइट का ऑपरेट करते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और आपको जो सारी रियलिटी इसमें शो होती है, जैसे कि ऑफिशियली साइट पर शो हो रही है, और वे उन्हीं लोगों से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं जो यूएई की फ़्लाइटों को लेकर, अन्य कंट्री की फ़्लाइटों को लेकर जो सजेशन पाते हैं, तो उनको कॉन्टैक्ट कर और उनको इजीली बताते हैं कि जैसे आप इंडिया के यूएई के लिए सीधी फ़्लाइटों को लेकर, आपको अप्रूवल हमारी ओर से दिला दिया जाएगा, और उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको फाइनली अप्रूवल के लिए वो पैसे भी पे करवा लेते हैं, जिसमें कई लोगों ने उनके लिए पैसे पे करवा दिए, जिसमें 10,000-15,000 के समथिंग, और उनको अप्रूवल भी मिल जाते हैं। जब फाइनली उनका अप्रूवल फ्लाइटों के लिए ऑपरेट होता है, तो वह फेक या स्कैम नज़र आता है। जिन्होंने जो भी इन्होंने इस स्कैम में फंसे हुए, तो वो फाइनली फिर जो ऑफिशियली फ़्लाइटों को लेकर या जो अथॉरिटी है उनसे कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि वो इनके साथ स्कैम हुए हैं। तो जो इंडिया से यूएई के लिए जो ऑपरेट होने वाली फ़्लाइट है 3 अगस्त से, तो हो सकता है यूएई अथॉरिटी की ओर से इसे और भी डेट को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो आपको इससे सतर्कता रखनी है, क्योंकि कई ऐसी साइट हैं जो आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकती हैं, जिसमें आप भी स्कैम में आ सकते हैं। जैसे यूएई की अथॉरिटी की ओर से जो फ़्लाइटों की ऑपरेट को लेकर अपडेट आएगी, रियल और वर्चुअल है, और साथ अमीरात एयरलाइंस की ओर से और यतुर्वेद एयरलाइंस की ओर से फ़्लाइटों को लेकर, तो उसकी आपको रियल और वर्चुअल अपडेट इसी चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आपको किसी भी स्कैम में नहीं फंसना है। तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों की ऑपरेट होने वाली जो ट्वीट पर भी आप इन्फॉर्मेशन दें।